ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं मूत्रदाह यानी कि पेशाब में होने वाली जलन के विषय में, या कहें पेशाब पीला होना। पेशाब पीला होता है तो उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। यदि पेशाब हल्का फुल्का पीला है तो समस्या नहीं है, लेकिन ये पेशाब का रंग पीलापन बढ़ता जाए और कई बार ये पीलापन हल्दी जैसा पीला भी हो जाता है तो मूत्रदाह बढ़ जाता है। इससे पेशाब में जलन आ जाती है और कई बार समस्याएं बहुत विकट हो जाती हैं, और यदि आगे ध्यान ना दिया जाए तो कई बार पेशाब रुक भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले आप जहां पेशाब पीलापन पकड़ता है वहां यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको आगे की समस्याएं नहीं आएंगी। तो आपको करना क्या, पहले हम इसके कारण जान लें कि ये क्यों होता है। मित्रों, कई बार जब कोई रोग आदि होता है तो उस समय जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो केमिकल्स की दवाइयाँ खाई जाती हैं, उसके सेवन का किडनी पर यानी कि आपके जो वृक्क होते हैं, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप यदि इन दवाओं के सेवन से बच सकते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन जी कोई रोग विशेष है तो आप बच नहीं सकते हैं तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। एक बड़ा कारण ये भी है, हमने देखा है कि लोग जितना देह को पानी चाहिए होता है, जितना एक देह को पानी चाहिए होता है, उनकी देह को पानी चाहिए, उसका 20% लोग पानी पीते हैं। ये बहुत ही घातक स्थिति बन जाती है मित्रों। इसके अलावा हम आपको बताएं कि कई बार लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पेशाब करने कहाँ जाएंगे, तो उस चक्कर में लोग पानी ही नहीं पीते हैं और ऐसी स्थिति में उनको भयंकर जलन हो जाती है। और ये जलन ऐसी हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि वहाँ फुंसियाँ हो गई हैं, गर्म गर्म गर्म। और जैसा कि बुखार में अक्सर ये जलन होती है पेशाब में, हमने बहुत अधिकांश देखा है कि जब बुखार आता है, देह अंदर से तपता है, ऊपर से तपता है, तो पेशाब बहुत गर्म होती है। मित्रों, कारण और भी बहुत सारे हैं, आपका कोई भी कारण हो सकता है, पर हमें जो मुख्य कारण दिखाई दिए, जो हमें सामने हम आपको बता सकते हैं, हमने वो आपको बता दिए। इसके अलावा कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तनाव, तीखा तला भोजन करना, इसके अलावा किसी विषय में डूब जाना, अपना ध्यान ना रख पाना, अंगों की सफाई ना करना, अंगों की सफाई ना करने से वहाँ जलन आदि हो जाता है। मित्रों, गुप्तांगों की सफाई रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप सफाई नहीं रखते हैं तो वहाँ पर आपको कई बार वो सफ़ेद सफ़ेद कुछ हो जाता है उसके अंदर, फिर वो उसको यदि साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आदि होते हैं, इससे भी पेशाब में जलन आदि हो सकता है। यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ही देखिए आप गलती क्या कर रहे हैं। यदि आप अपनी गलती को सुधारते हैं तो वहाँ से आपका पहला समाधान आरंभ होगा। अब हम आगे आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों, सबसे पहले वीडियो विवरण में स्वास्थ्य नियम देख लीजिए। ये स्वास्थ्य नियम जो वीडियोज़ हैं वो हमने ऐसे बनाए हैं, यदि आप उनका पालन करते हैं तो आप इसका संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। और साथ में आगे प्राणायाम की वीडियोज़ भी हैं, यदि आप वो कर लेते हैं तो कभी भी आपको ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी समस्या हो गई है, वर्तमान में समस्या हो गई है, बहुत समस्या हो रही है, जलन हो रही है, अभी क्या करें? अभी के लिए, तुरंत के लिए आपको जो समाधान बता दूँ, आप जो पानी पीने जा रहे हैं आप पानी थोड़ा गुनगुने से थोड़ा सा गर्म पी लीजिए, तो और पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, ताकि ये पानी, और पानी घुट घुट करके पीजिए, पानी फटाफट में मैं आपको पी के दिखा दूँ। इस तरीके से आप यदि धीरे धीरे पानी पीते हैं तो आप अपनी जो पेशाब है उसकी जलन को थोड़ा कम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पानी पीने का तरीका है ये आपके पेट को, आपके शरीर को काफ़ी आराम देता है। अब आपको बताऊं इसके लिए कुछ और आपको करना है, कुछ रंग आपको हम बता देते हैं, रंग आप कैसे लगाएंगे। रंग लगाने से पहले एक बात और बता दूँ आपको, आप घर में हैं तो आप मिश्री वाला पानी पी लें, नींबू शरबत पी लें, या आपको आवश्यकता डायबिटीज़ है तो आप मिश्री नहीं ले सकते ज़्यादा, तो आपको हानिकारक हो जाती है। और आप शहद पानी पी सकते हैं, सादा पानी में 2-3 चम्मच शहद घोल लें, आप उसको पिएं, ये आपको काफ़ी आराम देगा। साथ ही आप सौंफ और जीरे का पानी उबाल के उसको थोड़ा ठंडा करके, सामान्य करके वो भी पी सकते हैं, ये आपकी पेशाब की दाह में जो समस्याएं आती हैं उसमें काफ़ी आराम देगा। अब आपको जो रंग हम लगाने को बता रहे हैं वो कैसे लगाना है, आपके हाथ में, आपके पैरों में किडनी के पॉइंट होते हैं, हम हाथों की बात करेंगे। तो हाथों में आपको जो करना है, आपको मैं पॉइंट्स बता दूँ, पहले ये मेरा हाथ है, हमने पहले जो वीडियोस बताए हैं उसमें हमने आपको स्पष्ट किया है कि ये सर है, दो बाहर की तरफ दो हाथ हैं और अंदर की तरफ ये दोनों पैर हैं। अब जो दोनों पैर हैं उसके ऊपर की साइड किडनी होती है, यहाँ आपकी कमर होती है, जो ये दो पैर हैं, जो दो पैर हमने आपको बताए उसके बीच का जो हिस्सा है ये पूरा कमर का पॉइंट जाता है, और कमर के ही पॉइंट के थोड़े से बगल में यहाँ पे किडनी का पॉइंट है,
एक किडनी का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और दूसरी किडनी का पॉइंट कमर के बगल में यहाँ पे मिलेगा। आप स्पष्ट देख सकते हैं, आपको एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप जब ये पॉइंट यहाँ थोड़ा सा खड्डा सा मिलेगा और जब आप इसे दबाएंगे आपको पीड़ा होगी। अब दबाने का तरीका ये उंगली से नहीं है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ। अब मैं आपको इसको दबा के दिखाऊँ तो ये दबाने का तरीका कुछ ऐसे होता है। यदि आप इसको ऐसे दबाते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी पीड़ा हो रही है, और जब आप दबाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। अभी जहाँ हमने आपको पॉइंट दबा के बताए हैं उस जगह पर आपको काला रंग, काला रंग कैसा भी हो, काजल भी चलेगा यदि आपके घर में मार्कर स्केच पेन नहीं है तो, और नहीं तो स्केच पेन हो, कोई भी मार्कर हो, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, ऐसा नहीं है कि आप ये ब्रांड लें। तो आप इस जगह पे जहाँ पे ये हमने दर्द महसूस किया इस जगह पे, वहाँ आप ऐसे दबा भी सकते हैं। आप दबाएंगे तो पीड़ा बहुत अधिक होने वाली है, तो पर आपको पीड़ा सहन कर रही होगी क्योंकि आपको जो समस्या आई है किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में किडनी काम कम कर रही है इसलिए जलन हो रही है। काम तो कर रही है, मैं यहाँ बोलने में थोड़ी गलती कर गई, किडनी काम तो कर रही है लेकिन हाँ उसमें पानी की कमी हो गई है, तो उसको छाया देनी है, उसको ठंडक देनी है, उसके लिए हम काला रंग इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जब आप इस जगह पे जब आप ये रंग लगा देंगे काला, ये इस तरीके से, तो इससे आपको काफ़ी आराम होगा। आप ये लगाएंगे इस तरीके से, आपको थोड़ा एक ऊपर नीचे होता है क्योंकि किडनी के पॉइंट्स जो हैं थोड़े, किडनी भी ऊपर नीचे होती है तो उस अनुसार ये पॉइंट्स भी थोड़े ऊपर नीचे आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसे लगा देना है, और साथ ही यदि आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा ज़्यादा लगा दिया तो नुकसान नहीं होता है, पर हाँ ध्यान रखें पूरा ही कवर ना कर दें, बस जहाँ हमने पॉइंट बताया उस तरीके से लगा दें। एक दिन एक हाथ में लगा लें, दूसरे दिन दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट आपको मिलेंगे उसी जगह पर जहाँ हमने उस हाथ में बताया, इस हाथ में भी वैसे ही मिलेगा। और दोनों हाथ में कलर थेरेपी साथ में ना दें, एक में दिया पर्याप्त होता है। और जहाँ आपका मूत्र नलिका होती है या कहें कि जहाँ से हम पेशाब करते हैं वो स्थान करीब हमारे इस स्थान पे आता है, यहाँ जलन होती है क्योंकि ये हमारा मलमार्ग और मूत्रमार्ग यहाँ पे होता है, हाथ में दर्शाता है। तो उस जगह पे आप पानी की कमी आपको समस्या दे रही है, पानी हम नीले रंग से दर्शाते हैं इसलिए वहाँ आगे की तरफ यहाँ आप इस तरीके से नीला रंग लगा दें, इस तरीके से आप आगे की तरफ नीला रंग लगा देंगे क्योंकि यदि आप ये करते हैं इससे आपको पेशाब के चलन में काफ़ी जल्दी आराम हो जाएगा। लेकिन आप सोचे कि मात्र हमने रंग लगा दिया इसके भरोसे बने रहेंगे, नहीं, ऐसी गलती कदापि ना करें। यदि आप ऐसी गलती करते हैं, पानी नहीं पीते हैं तो समस्या बढ़ती है। मित्रों घूमने जाते हैं ना, ये मत सोचिए कि अरे बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप घूम पाएंगे, यदि आप रोगी होंगे तो आप घूम नहीं पाएंगे। तो पानी पीते रहिए, और जहाँ आप जाते हैं हर जगह टॉयलेट आदि की सुविधा होती है, आप जाके आइए, अपने आप को खाली करके आइए, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क शरीर सब निरोगी होना आवश्यक है। तो पानी पीने में कंजूसाई ना करें, क्योंकि आप यदि पानी खरीदना भी पड़ा तो आप खरीद के पानी पीजिए, पर पानी अवश्य पीजिए। पानी की कमी आपको बहुत परेशान कर सकती है। और आपकी देह में कोई भी अन्य रोग विशेष है, हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी हैं जिनमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए दे रखे हैं, हर रोग पर हमने वीडियो बना रखा है, आप अपने रोग अनुसार वीडियो चुन सकते हैं। हमारे किडनी पर और भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट है राजरोग, उसमें किडनी फेल, किडनी में ये पथरी आदि होना, उस पर हमने वीडियो दे रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और जो हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ, इस वीडियो में भी हमने दे रखा है नियम पालन के वीडियो, आप वहाँ से ही देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए और उनका पालन करके आप अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं, चाहे तन का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे मस्तिष्क का रोग हो, चाहे बालों से सुंदरता से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपकी हर समस्या का समाधान हमारी बहुत सारी वीडियोस में हमने दे रखा है। और यदि कोई समस्या बच जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।